نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالحير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك आमीन आमीन अस्सलाम लमीन असलकमल वबरकू उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह व तआला हम सब से राज़ी हों और अल्लाह व तआला हमारे वक्त को बेहतरीन तरीके से अपने खैर के कामों में लगाने वाला और हम एक बामल बा, मुसलमान बनाए आमीन तावल और तस्मिया अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और को आप, आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि हम बचपन से लेके अभी तक आदतन या फितरतन कर रहे होते हैं और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो ज़रूर करें क्यों करें कि कल को हम अल्लाह सुबहाना वाला को क्या मुंह दिखाएंगे कि अल्लाह जी हम दुनिया में इतने मरूफ़ थे हम घर के काम में इतने मसरूफ़ थे हम दुनियादारी में इतने मगन थे कि हमने आपके कुरान को रिसाइट करने के लिए आपके कुरान को पढ़ने के लिए जो कि हमारा बेहतरीन साथी था टाइम ही नहीं निकाला तो टाइम ज़रूर निकालें क्योंकि वक्त का भी हिसाब होना है हमने अल्लाह सुबहाना तला को ये भी हिसाब देना है तो टाइम निकालें वक्त निकालें और अपने लेसन को प्रैक्टिस में लेके कर आएँ आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा करके अपने कुरान से दोस्ती कर रहे हैं हम डायरेक्ट ना तो सूरत अलफा पे शुरू किया हमने ना हमने सूरत सूरतबारा से शुरू किया है किससे शुरू कर रहे हैं हम क्योंकि हमने कुरान से दोस्ती करनी है और किसी दोस्त के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लेंगे तो ये हमारी ज़ात के लिए बहुत अच्छा होगा ताकि हम उससे जितने भी बेनिफिट होंगे वो हम ले लेंगे इन क्योंकि ये वाहिद वो रास्ता है ये वाहिद वो किताब है जो बेहतरीन तरीक़े से क्या करती है हमारी रहनुमाई करती है एक शीशे की तरह जो है इसमें हमें अपना अक्स नज़र आएगा कि हम क्या हैं आज हम देखेंगे कि क़ुरान क्यों सीखें क्या ऐसी वजह है कि हमने ताउद भी सीख लिया हमने तस्मिया भी गौर किया अब हम डायरेक्ट सूरतल्फा पे क्यों नहीं जा रहे हमने डायरेक्ट उसे क्यों नहीं पढ़ा तो छोटी छोटी बातें जो हैं ये ज़िंदगी में बहुत बहुत जो है फ़ायदा देती हैं तो लिख लें ये कि क़ुरान क्यों सीखें क्या वजह है कि हम हमने कुरान सीखना है तो क़ुरान का सबसे पहली बात तो ये हम तारुफ़ सीखेंगे कि कुरान क्या है और कुरान में है क्या कुरान मजीद में, में अल्लाबहान वाला तला का कलाम है अल्लाह की बातें हैं और जब हम अल्लाह से बातें करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम दुनिया की उस वाहिद हस्ती से हम कलाम हो रहे हैं जो कि हमारे रबुल आलमीन है वो कोई आम सी हस्ती नहीं है वो कोई गली में गुजरने वाले हमारे वो जिस तरह कहते हैं ना कि फेवरेट पर्सन नहीं है कि जिन्हें देख के कभी हम ये कहें कि काश ये फला स्कॉलर काश ये फला आंटी काश ये फला इंसान मेरा दोस्त होता ये तो फिर कुरान है तो ये कुरान हमें अल्लाह के करीब करेगा अल्लाह से मिला देगा फ़लाह के रास्ते आसान कर देगा और इसमें हम देखेंगे कि, कि और इसमें क्या है कि ये मुकम्मल किताब है मुकम्मल, कंप्लीट ये ऐसी मुकम्मल किताब है कि अगर हमने इस पे टाइम लगाना शुरू कर दिया और इसको अपना वक्त देना शुरू कर दिया ये आप सोच भी नहीं सकते कौन से खजाने आपको अता करने वाली है दूसरे यहाँ पर पॉइंट लिख लें कि ये सच है और हक वाली है यह हमें हलाल से हराम से बचाती है हमें अदाबोलाक सिखाती है हमारी जिंदगी के मामला सिखाती है हमें रिश्तेदारों के साथ कैसे मामले करने हैं वो सिखाती है और क्या है कि इस किताब में हिस्ट्री है पता इंसान को बहुत शौक होता है ना हिस्ट्री के बारे में जानने का इसमें हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और इस अंदाज में पढ़ेंगे इन कि के में हमें मजा आएगा पढ़ते हुए हम जानेंगे कि हम असल में है क्या हमारी रूट क्या है कौन सी ऐसी वजह है कि हम इस किताब से दूर हो गए हैं ये किताब तो बेहतरीन रहनुमाई करती है हमारी और फिर इसके बाद हम इसमें क्या है काफिरों और मोमिनों का अंजाम है कि अगर कुफ़र करेंगे कुफ़र का कर रास्ता अपनाएंगे तो उसका ठिकाना क्या है और अगर हम अच्छे काम करेंगे वही बात है ख़ुद को अपनी रूह को रहमानी सल्स के साथ चार्ज करेंगे तो इसका क्या अंजाम है इसका ठिकाना क्या है फिर इसके बाद है आयत नंबर अल नल आयत नंबर एटी नाइन में आता है और हमने आप पर यह किताब नाजुल फ़रमाई है जिसमें हर चीज़ काफ़ी और शाफ़ी बयान है और मुसलमानों के लिए रहमत और खुशबरी है आपको लग नहीं रहा अपना अपना नाम लेके सोचें क्या आपको ये खुशखबरी कभी महसूस हुई है कभी आपने क़ुरान को पढ़ते हुए इस खुशखबरी को महसूस किया है कि इसमें क्या है इसमें मोमिनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं इसमें सूरत नसा की आयत नंबर जो है कुछ कुछ बता रही हूँ एटी सेवन नोट कर लें सूरत यूनस की है आयत नंबर वन वन वो नोट कर लें क्योंकि ज़मीनों आसमानों की भी इसमें बातें होनी हैं अल्लाह सुबहाना व ताली ने इसमें हमें साइंस भी बताई हुई है कि अच्छा इतना कुछ है इस किताब में आप सोच भी नहीं सकते तो यही वजह है कि हमने इस किताब से जुड़ना है क्यों एक और पॉइंट लिख लें कि पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है बताने वाली है कि माजी में जो किताबें थीं वो क्या थीं और उनमें क्या था उस पर भी बात करेंगे फिर ये आखिरी किताब है हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है क्योंकि उनके बाद ना तो कोई नबी आना है और ना ही और कोई किताब आनी है मुकम्मल दीन अल्लाह ने हमें दे दिया। एक कंप्लीट पैकेज दे दिया है कि ज़िंदगी के मामला ज़िंदगी में जो भी मुश्किल हैं उन तमाम तर के मुश्किल की परेशानियों का हल इस किताब में मौजूद है फिर हम क्यों दर बदर ठोकरें गा रहे हैं फिर हम क्यों परेशान हैं फिर क्यों हमारी रूहें परेशान हैं क्यों हमें सुकून नहीं आता वजह क्या है इस किताब से दूरी जब तक हम इसके साथ दिल नहीं लगाएंगे ना हम पुस्कून नहीं हो सकते जिंदगियों में सुकून चाहिए अच्छा घर चाहिए अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए बच्चों की कामयाबी चाहिए जो भी आपकी ज़िंदगी में आपने अपने गोल बनाए हुए हैं बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे अच्छी जगह रिश्ते चाहिए जो भी हैं इस किताब के साथ जुड़ जाइए ये किताब आपको पुरसकून कर देगी आजमाइशें आएंगी आजमाइशें अल्लाह अल्ला का वादा है कि चार तरह की आजमाइशों से हर इंसान ज़रूर आजमाया जाएगा जब हम उन आयात पर जाएंगे तो बात करेंगे इन आजमाइशें आएंगी लेकिन अल्लाह ताली आजमाइश में इंसान को वसत वत अता कर देते हैं उसके दिल को पुरसकून कर देते हैं तो ये किताब हमारे दिलों को पुरसकून करने वाली है तो मुबारक हो आप सबको कि अल्लाह सुबहान तला ने हमें क़ुरान फैमिली का हिस्सा बना दिया अल्लाह सुबहान वाली ने हमें क़ुरान के साथ जोड़ दिया अभी वो सिस्टर जो अभी नए नए आए हैं जो बिल्कुल अभी बच्चे हैं अभी जो नया नया स्टूडेंट जब आता है ना जब कुरान को पढ़ने आता है वो बिल्कुल बच्चा होता है फिर आहिस्ता 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 हमने इसकी सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है फिर हमने देखना है कि एक जूस दूसरा जूस तीसरा जूस चौथा जूस फिर जूजों जूस पा जूस, जूस पे जब हम, हम काम करेंगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कितनी रहमतें इसमें जो हमें मिलनी है तो करना क्या है नीयत पे काम करना है अपनी नीयत को चेक करें और अपनी नीयत के साथ साथ ये देखें कि ये चीज़ें मेरी अमल में कितनी है और हम सुन्नतों को साथ लेके चलेंगे इन तो आज के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन जो है आगे चल के और भी इन पर मज़ीद हम बात करेंगे अब तक के लिए यही है कि आज आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस हस्ती के साथ जिस किताब के साथ मैं दोस्ती करना चाह रही हूँ वो क्या है तो आज कल आज का जो करने वाला काम है क्या है कि अपने कुरान को बंद करके शल्फ़ों के ऊपर नहीं रख देना प्यारे प्यारे से ऊपर गुलाब चढ़ा के उसे ऊपर नहीं रख देना उसे आज शल्फों के ऊपर से उतारिए उसे प्यार से देखिए उसे खोलिए और कहिए ए कुरान, मैं तुझसे दोस्ती करना चाह रही हूँ मैं तुम्हारे करीब आना चाह रही हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करना चाह रही हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतनी तड़प के साथ अपने कुरान से बातें करें और वो कुरान फिर आपके दिल में जगह ना बनाए ऐसा मुमकिन नहीं है और आपकी नीयतें वही है नियतें हालस करनी पड़ेंगी फिर अल्लाह ताला आपके दिल को कैसे बदलेगा ये फिर मुआज़ात होते हैं और ये होंगे इन तो अपना बहुत ख्याल रखें टाइम लगाएं वक्त लगाएं अल्लाह सुबहाना व त सब को सबके वक्त में बरकतें ताफ़रमाय आमीन अल्लाम आमीन और कबालम्न्ना इन्ना कांत समयलीम वतुब अलैना इन्ना कांता तवा रहीम